नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंटरनेट बैंकिंग के आप ऑनलाइन चेक इशू करने के लिए रिक्वेस्ट कैसे सेंड कर सकते हैं। उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन चेक इशू करने के लिए रिक्वेस्ट कैसे सेंड किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। ध्यान से इसको आप देखिए और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? देखिए, इसको समझाने के लिए मेरे पास एक डेमो वीडियो है। मैं उस डेमो वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है? आप इसको देखिए और मैं इसको बताते रहते हैं स्टेप बाई स्टेप। आपको समझने में बहुत आसानी होगा, ठीक है? मैं हिंदी में सब कुछ बताऊंगा आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना है ये ऑनलाइन SBI का जो है इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट ओपन किया है। यहाँ पर यहाँ रिक्वेस्ट में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर चेक बुक को क्लिक करना है, ठीक है ना? चेक बुक को क्लिक करना है यहाँ पर। देखिए, क्लिक चेक बुक इन बुक लिंक इन रिक्वेस्ट टैब और चेक बुक पेज अपीयर्स, ठीक है? उसके बाद आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है, किस अकाउंट के लिए आपको चेक इशू करना है, ठीक है ना? तो वो चीज़ आपको यहाँ करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेक बुक को क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है, किस अकाउंट के लिए आपको चेक इशू करना है, ठीक है? और यहाँ मल्टी सिटी ऑप्शन दिया गया है, दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं आपको बताते जाता हूँ, बढ़ते बढ़ते इसके आगे, ठीक है? धीरे धीरे हम लोग दोस्तों यहाँ पर आपको यस क्लिक करना है अगर आप मल्टी सिटी ऑप्शन का चेक चाहते हैं, ठीक है? अगर नहीं चाहते हैं तो नो को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सिलेक्ट द यस ऑप्शन इफ यू रिक्वायर अ मल्टी सिटी चेक बुक। प्लीज नोट द मल्टी सिटी इज द डिफॉल्ट फॉर सेविंग बैंक अकाउंट। यहाँ है कि आपको अगर मल्टी सिटी चाहिए तो यस क्लिक कर सकते हैं, और साथ में ये भी बता रहा है आपको कि मल्टी सिटी चेक का ऑप्शन जो है सेविंग बैंक अकाउंट के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, मतलब वो डिफॉल्ट होता है, ठीक है? उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चूज करने का जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यह कहा क्या लिखा हुआ है, यू कैन रिक्वेस्ट फॉर ओनली 150 लीफ मल्टी सिटी चेक बुक एट अ टाइम फॉर सेविंग अकाउंट। मतलब कि एक समय में आप केवल 50 लीफ्स का मल्टी सिटी चेक ही आप सेविंग अकाउंट के केस में आप उसका रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। फॉर ऑल अदर अकाउंट इट इज ओनली 25 लीफ्स चेक बुक। मतलब और अदर अकाउंट सेविंग के अलावा और अदर अकाउंट के लिए आप 25 लीफ्स का चेक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चार्जेज विल बी रिकवर्ड फ्रॉम योर अकाउंट। चार्ज आपके बैंक अकाउंट डिटेल से लिया जाएगा, ठीक है? फॉर एवरी मल्टी सिटी चेक लीव। हाउ एवर द फर्स्ट मल्टी सिटी चेक बुक फॉर सेविंग, मतलब पहला जो मल्टी सिटी चेक होगा आपका सेविंग बैंक अकाउंट का, वो फ्री दिया जाएगा आपको, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस चार्जेज आर सेट बाय द बैंक। यह चार्ज जो है बैंक के द्वारा सेट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए करना ये है कि यहाँ पर बोल रहा है इंटर द नंबर ऑफ चेक बुक्स यू रिक्वायर। कितने चेक बुक्स आपको चाहिए वहाँ पर इसको आपको डालना है। नंबर ऑफ चेक लीव्स, कितने लीव्स होने चाहिए एक चेक में वो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर। और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैटेगरी, बियरर चेक चाहिए कि ऑर्डर चेक चाहिए, उस दोनों में आपको ऑप्शन चूज करके सबमिट को क्लिक करना होगा यहाँ पर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, नोट अ बियरर चेक इज पेबल टू द पर्सन हु प्रेजेंट्स इट टू द बैंक फॉर इनकैशमेंट। अ बियरर चेक नीड नॉट टू
need not be endorsed and can be transferred by mere delivery. An order check is payable to a certain person and can be transferred only by endorsement and delivery. ठीक है, तो यहाँ पर बियरर चेक का जो है कोई भी आप जाके को पर्सन पे कोई भी व्यक्ति बैंक में दिखा के ले सकता है उसका, और बियरर और इसका जो होता है ऑर्डर चेक खास व्यक्ति को दिया जाता है, खास व्यक्ति जिसके नाम पर चेक पेबल होता है वही उसका यूज कर सकता है, दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सबमिट को करने के बाद क्या आया है ऑप्शन, यू आर डिस्प्लेड एन इंटरमीडिएट पेज विद द अकाउंट नंबर मल्टी सिटी ऑप्शन थ्रेशहोल्ड लिमिट इफ एप्लीकेबल ब्रांच नेम नंबर ऑफ चेक बुक्स नंबर ऑफ चेक लिप्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैटेगरी सिंस द डिफॉल्ट चेक बुक ऑप्शन फॉर सेविंग अकाउंट इन मल्टी सिटी विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द इंटरमीडिएट पेज। ठीक है ना, तो ये सारा डिटेल्स आपने जो दिया हुआ है वो आपको डिस्प्ले कर रहा है पेज पर। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका एड्रेस के बारे में पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, यू आर प्रोवाइड ऑप्शन टू सिलेक्ट द एड्रेस एट विच द चार्ज विल बी डिलीवर्ड द लास्ट अवेलेबल डिस्प्ले एड्रेस ऑप्शन इज enabled by default and the page display your name and the address to which the checkbook was earlier displayed. If the last available display address is not available, the page displays your name and address as available in bank record. तो ये यहाँ पर देखिए जो है ना, आप इससे पहले जहाँ पर आपका चेक आया था जिस एड्रेस पर, वो बाय डिफॉल्ट आपको दिखाता है। अगर आप चाहें तो आप न्यू एड्रेस का ऑप्शन चूज करके नया एड्रेस भी यहाँ डाल सकते हैं और उसके बाद उसको उस नए एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है अपना एड्रेस वगैरह सब वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद जो है आप यहाँ कंफर्म को बटन को क्लिक करके आगे जो है ना बढ़ना है आपको। ओके, यहाँ पर कंफर्म बटन को क्लिक करके आगे बढ़ना, सारा डिटेल को अच्छे से मिला लीजिएगा। ओके, You are displayed a confirmation page with the required timeline within which the check book will be delivered. Since the default check book option for saving account is multi-city, it will not be displayed in the confirmation page. ठीक है, तो यहाँ सारा डिटेल्स आपको दे रहा है और यहाँ तो आपको बताया जा रहा है कि कब तक ये आपका जो है ये आपके एड्रेस पर पहुंचेगा। साथ में आपको रेफरेंस नंबर को जरूर से नोट कर लीजिए। इसके लिए कोई भी कम्युनिकेशन अगर आप करते हैं स्टेट बैंक कस्टमर केयर में तो आपको या फिर ब्रांच में, तो ये आपका रेफरेंस नंबर आपके पास होगा, तभी वो लोग आपका ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। तो इस रेफरेंस नंबर को जरूर कहीं नोट करके आप रख लीजिए ताकि कम्युनिकेशन इसके बारे में अगर करना हो, स्टेटस मालूम करना हो इस रिक्वेस्ट के बारे में, तो उसके बारे में जल्दी ही आपको इसके बारे में सूचना दे दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है आपको आपने सीखा है कि आप इंटरनेट बैंकिंग से कैसे ऑनलाइन चेक के लिए इशू कर सकते हैं, आपका मल्टीसिटी चेक हो या फिर अदर चेक के लिए भी आप इसमें रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, और सारा इन्फॉर्मेशन कैसे देना है इस वीडियो में आपने सीख लिया है। और ऑनलाइन इसका रिक्वेस्ट देने के बाद आपको पता चल जाएगा कितने दिन में वो आपके एड्रेस पर आएगा। उसका रेफरेंस नंबर आप ज़रूर नोट कर लीजिए ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस रेफरेंस नंबर के द्वारा ही आपको स्टेटस मालूम चलेगा कि आपका चेक का स्टेटस अभी क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ जो आपको बताया गया है इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं और इसको आप कोई भूल नहीं करेंगे। आप भविष्य में इंटरनेट बैंकिंग से आप इसको यूज में ज़रूर लाइएगा। ठीक है, और दोस्तों आपसे हार्टली मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है, पसंद आया है, बेनिफिट होता है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस आएंगे वो डायरेक्ट आपके ईमेल आईडी पर पहुंच जाते हैं और आपको सर्च करने का ज़रूरत नहीं होता है।
आपका कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, प्लीज वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन होता है, उसमें आप उसको डाल सकते हैं। मैं रिप्लाई जरूर उसका करूंगा। और आपका जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है, ये बहुत ज़्यादा अनमोल है मेरे लिए और बहुत ज़रूरी है नए वीडियोस को बनाने के लिए। यही मेरा शक्ति है, यही मुझे शक्ति देता है कि लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो ही मैं आपको नए वीडियोस प्रोवाइड कर पाता हूँ, बनाने का शक्ति मिलता है। अगर मुझे आपके लाइक और आपके शेयर और आपके सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेंगे, वो प्यार आपसे नहीं मिलेगा, तो मैं आगे वीडियो कभी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर शक्ति ही नहीं आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको कमेंट करें, तब जाके मुझे लगेगा कि मैं किसी और के काम आ रहा हूँ, और मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और आपको और भी ज़्यादा नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का सहयोग देने के लिए। थैंक यू सो मच।